हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अवध विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट ईयर में इस बार एडमिशन लेने वाले आप सभी विद्यार्थियों का अवध विश्वविद्यालय में और मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, पढ़ाई आपने शुरू कर दी होगी। अगर नहीं तो आइए मिलकर हम और आप सब एक साथ मिलकर सभी बच्चे एक प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई को शुरू करते हैं। दोस्तों थोड़ी सी बता दें कि पिछली बार के जो भी बच्चे थे उनसे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और टच वुड उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। तो एक बार फिर से मैं उम्मीद आप सबसे करता हूँ कि हमारा भी साथ ऐसे ही बना रहेगा और बहुत ही ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिलेगा आपकी तरफ से और हम इस बार भी बहुत अच्छे तरीके से सब बच्चे साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे। ओके, तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम आगे की रणनीति तय करते हैं कि हमें एक साथ मिलकर कैसे पढ़ाई करना है। और उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा, क्योंकि अवध विश्वविद्यालय में बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए कुछ क्वेरीज होती हैं बच्चों के मन में, तो उसे मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो पहली चीज़ हम देखते हैं कि आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं। दोस्तों 5 सब्जेक्ट्स आपको टोटल पढ़ने हैं बीएड फर्स्ट ईयर में। 5 सब्जेक्ट्स में 3 सब्जेक्ट तो सबके लिए कॉमन होता है, 2 सब्जेक्ट्स ऑप्शन होता है। तो 3 कौन से कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। पहला है आपका नॉलेज एंड करिकुलम, हिंदी में इसको कहते हैं ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। दूसरा है आपका साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, इसको कहते हैं अधिगम का विकास एवं मनोविज्ञान। और तीसरा है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, शैक्षिक तकनीकी एवं आईसीटी। आईसीटी का मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संप्रेषण तकनीकी। तो ये वो 3 सब्जेक्ट्स हैं जो कि कॉमन है। चाहे अवध विश्वविद्यालय के बीएड फर्स्ट ईयर में कोई भी बच्चा एडमिशन लेता हो, आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो, आर्ट बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, ये 3 सब्जेक्ट्स आपके कॉमन होते हैं। अब जो 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होता है वो आपके ग्रेजुएशन बेस पे आप एक 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन, जिसके लिए आपको टोटल 13 सब्जेक्ट्स के ऑप्शन दिए जाते हैं। वो 13 सब्जेक्ट्स मैं फटाफट से नाम बता दूँ, जैसे कि 4 लैंग्वेज के पेपर हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत, 4 सब्जेक्ट्स ये हो गए। साइंस स्ट्रीम के 3 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स, मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस और एक और होम साइंस। तो 4 सब्जेक्ट्स यहाँ होंगे। इसके अलावा कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स और जियोग्राफी, ये टोटल आपके सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से किन्हीं 2 सब्जेक्ट्स का आप अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से 2 सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। चलिए अब एक मेन पॉइंट आता है बच्चों, जैसे ये सारे सब्जेक्ट्स की अगर आप बात करेंगे तो आपको एक पल के लिए ये लगेगा कि यार कहीं मुझे फिर से तो मैथ नहीं पढ़ना है, मतलब मैथ्स के वही सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, या फिर आपके मन में एक ये आएगा कि यार मुझे फिर से कॉमर्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, या फिर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में मुझे बड़े बड़े पैराग्राफ, पेजेस, पैसेजेस, ग्रामर, ट्रांसलेशंस। तो जी हाँ, बिल्कुल नहीं पढ़ना है ये सारी चीज़ें। ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, वास्तव में आप ग्रेजुएशन तो कर चुके हैं, तो हम ये मानते हैं कि आपको इन सारे सब्जेक्ट्स का अच्छा नॉलेज है, तभी तो आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। वास्तव में इन सारे सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ना क्या होता है, मेथड ऑफ टीचिंग दैट सब्जेक्ट्स, कि उस सब्जेक्ट्स को पढ़ाया कैसे जाता है। तो मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स बताता हूँ जो कि इन सारे सब्जेक्ट्स में सभी बच्चों को पढ़ना है। वो ये है कि उस सब्जेक्ट्स की परिभाषा, उस सब्जेक्ट्स का अर्थ, उस सब्जेक्ट्स की प्रकृति, उस सब्जेक्ट्स का क्षेत्र। जैसे मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ वास्तव में होता क्या है। मैथ को हिंदी में हम गणित कहते हैं और गणित शब्द की उत्पत्ति गणना से हुई है, अर्थात गणित शब्द की जो बेसिक उत्पत्ति हुई ना वो गणना से, मतलब कैलकुलेशंस की बात की जाती है, राइट। ठीक उसी तरह से भौतिक विज्ञान क्या है, एक प्रकार का विज्ञान है। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, ये सब क्या है, ये भाषा है। तो आपको इनका अर्थ जानना है, इनकी परिभाषा जाननी है, इनकी प्रकृति जाननी है। और इसके अलावा आपको ये पढ़ना है कि अगर आप मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ पढ़ाने के कौन कौन से मेथड होते हैं, साइंस अगर आप पढ़ा रहे हैं तो साइंस पढ़ाने के कौन कौन से मेथड होते हैं उनको जानना है। साइंस पढ़ाने के बाद आप बच्चों का मूल्यांकन जो करेंगे, इवैल्यूएशंस करेंगे, तो देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशंस, कुछ निश्चित प्रकार के मूल्यांकन है, जैसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। बच्चों का मूल्यांकन कैसे करेंगे या जब आप टीचर बन जाएंगे, तो ये चीज़ें दोस्तों बहुत ही मज़े का सब्जेक्ट्स हैं ये सारे सब्जेक्ट्स। आपको कोई 2 पढ़ना है और बड़ा मज़ा आने वाला है। इसी तरह हम कॉमर्स की बात करें तो सारे सब्जेक्ट्स में एक बड़ा ही कॉमन सब्जेक्ट प्रश्न ये होता है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये होता है कि उस सब्जेक्ट्स का किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेशन क्या होता है। जैसे अगर हम बायो की बात करें, बायोलॉजिकल साइंस,
तो ये फिजिकल साइंस से अलग नहीं है। तो सवाल आपसे पूछा भी जाता है और आपको पढ़ना भी है कि फिजिकल साइंस का दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है, फिजिकल साइंस का मैथ के साथ क्या रिलेशन है, फिजिकल साइंस का बायोलॉजिकल साइंस के साथ क्या रिलेशन है, हिंदी और इंग्लिश का आपस में क्या रिलेशन है, और ये भी पढ़ना है कि उसका पर्पस क्या है, उसका एम्स और उद्देश्य क्या है। मतलब अगर आप किसी को कोई भी विषय पढ़ा रहे हैं तो उसका एम क्या होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, आपको इनमें कहीं भी आपको ग्रेजुएशन तक का दोबारा आपको नहीं पढ़ना है। लाइक मैथ में न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना है, फिजिकल साइंस में आपको दोबारा से न्यूटन आइंस्टाइन ये सब नहीं देखना है, बायोलॉजिकल साइंस में आपको दोबारा से रक्त कोशिका स्वास्थ्य नली ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें हिंदी संस्कृत उर्दू, इनमें आपको ग्रामर दोबारा से नहीं पढ़ना है, ये सारे मेथड्स पढ़ने हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी और आप थोड़ा सा रिलैक्स और हल्का फील कर रहे होंगे। तो जी हाँ, अब एक बड़ा आसानी से हम करेंगे, साथ में पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। तो एक और चीज़ आप ये सोच रहे होंगे कि यार हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, उसके लिए मैं आपसे पर्सनली किताब के बारे में बात करना चाहूँगा कि अभी आपको बुक्स कौन सी लेनी चाहिए और लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों देखिए, मैं हकीकत बता रहा हूँ, चूँकि आप बीएड में एडमिशन ले चुके हैं, आपने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, तो ये बीएड जो है ना वो ट्रेनिंग है, टीचर ट्रेनिंग का कोर्स है, आप इसको एंजॉय करिए और पढ़िए। इसके लिए आप ये जो तीन आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उसकी किताबें ज़रूर ले लीजिएगा, जैसे नॉलेज एंड करिकुलम, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, और तीसरा एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड ICT। तो इन तीन विषय के आप किताब जरूर ले लीजिएगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि बुक से ना पढ़ने का अपना अलग ही मजा होता है। और रही बात नंबर पास करने की या नंबर अच्छा नंबर पाने की, तो आप एक थोड़ा सा फीडबैक अपने सीनियर स्टूडेंट से ले लीजिएगा, सीनियर भैया या दीदी या दोस्तों से। तो नंबर पाना इज़ वेरी इजी, राइट? आप कैसे लिखते हैं वो हम नंबर पाने के लिए लास्ट के एक महीने या 15 दिन 10 दिन में हम कोशिश करेंगे, तो नंबर पॉइंट्स ऑफ व्यू से उस समय पढ़ेंगे एग्जाम्स के टाइम, मगर अभी हम पढ़ाई के मज़े लेंगे, इन्जॉय करेंगे और अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैं आप सभी बच्चों से कहता हूँ कि कम से कम इन तीन कॉमन सब्जेक्ट्स के आप किताब ले लीजिएगा। अब किताब कौन सी लेंगे, दो प्रमुख किताबें हैं, एक आर लाल पब्लिकेशंस, एक अग्रवाल पब्लिकेशंस। तो इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, मैं पर्सनली मुझे पसंद है दोनों, ठीक है, नो डाउट, बट मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आप अग्रवाल पब्लिकेशंस की ले सकते हैं। तो इन तीन किताबों को आप ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद वन बाय वन हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और एक साथ पढ़ेंगे, ओके। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर देते हैं, और अगर आपकी क्वेरी हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। और दूसरी बात कि अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बना है या फिर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप एक बार कॉलेज में ज़रूर संपर्क करिएगा, मुझसे भी पूछ सकते हैं, हालांकि मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, मगर फिर से मैं आपको आंसर कर दूंगा और मैं हेल्प कर दूंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है। तो ठीक है, तो एक साथ पढ़ेंगे, ओके, आप सपोर्ट करिएगा, साथ जुड़े रहिएगा, अपने जितने भी ग्रुपमेट्स हैं ना, जितने भी कॉलेज वाले फ्रेंड्स हैं, उन सभी को जोड़िए इस चैनल पर और हम एक साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं। चलिए ठीक है, फिर इस वीडियो को हम यही ख़त्म करेंगे। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, पहले ये जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं इसको वन बाय वन देख लेते हैं, मतलब पहले सिलेबस समझेंगे कि फर्स्ट पेपर के सिलेबस क्या है, ठीक है, उसमें आपको क्या पढ़ना है, ठीक, उसी प्रकार से दूसरे पेपर का सिलेबस, फिर सिलेबस के बाद से इसके यूनिट्स होते हैं, जैसे कॉमन सब्जेक्ट्स के में 5 यूनिट है हर एक सब्जेक्ट में, तो वन बाय वन करके एक दिन में कुछ पार्ट्स ऑफ यूनिट पढ़ लेंगे, मतलब मुश्किल से 2 से 3 दिन में एक यूनिट आपका ख़त्म हो जाएगा एक विषय का। तो इस प्रकार से किसी एक दिन फर्स्ट पेपर का एक यूनिट, फिर नेक्स्ट सेकंड पेपर का एक यूनिट, फिर नेक्स्ट थर्ड पेपर का एक यूनिट, पहले इन कॉमन सब्जेक्ट्स को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम साथ मिलकर पढ़ाई करने वाले हैं, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि जो हेल्प मेरे से हो सके आई विल डेफिनेट डू दैट। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, तो लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो, और अपने दूसरे दोस्तों तक शेयर करें, उन्हें बुलाएं, इस ग्रुप में जोड़ें, एक साथ मिलकर पढ़ाई करना है, ओके। सो बंद करते हैं इस वीडियो को, बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबसे बात करके, उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आया हुआ। एक बार फिर से आप सभी नए बच्चों का स्वागत है अवध विश्वविद्यालय में और स्वागत है हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।